हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ फॉरेन की कंस्ट्रेंट डिस्कस करूँगा। एंड फॉरेन इस टॉपिक में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि फॉरेन की कंस्ट्रेंट क्या है। एक टेबल पर हम फॉरेन की कंस्ट्रेंट किस तरीके से इम्पोज करते हैं, एंड फॉरेन की कंस्ट्रेंट जब हम एक टेबल पर इम्पोज कर देते हैं तो उस टेबल में मॉडिफिकेशंस क्या क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो जैसा कि आप जानते हैं कि फॉरेन की कंस्ट्रेंट एक इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स है। सो बाकी के अदर इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स की तरह फॉरेन की कंस्ट्रेंट भी डेटाबेस में कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करने से रोकता है जो कि डेटाबेस में इनकंसिस्टेंसी लेकर के आ सकते हैं। नाउ फॉरेन की कंस्ट्रेंट बाकी कंस्ट्रेंट से थोड़ा सा अलग इस सेंस में है कि फॉरेन की कंस्ट्रेंट दो टेबल्स पर काम करता है। बाकी के कंस्ट्रेंट्स अगर आप देखें तो एक ही टेबल पर वो लगाए जाते हैं, बट फॉरेन की एक ही एक ऐसा कंस्ट्रेंट है जिसे दो टेबल्स के बीच में लगाया जाता है। सो इट ये जो कंस्ट्रेंट है दो टेबल्स को लिंक करता है। नाउ आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने दो टेबल्स ली हुई हैं। एक टेबल इंस्ट्रक्टर टेबल है और इंस्ट्रक्टर टेबल में चार कॉलम्स हैं, आईडी, नेम, डिपार्टमेंट नेम एंड सैलरी। एंड दूसरी टेबल मेरे पास है जो है डिपार्टमेंट जिसमें तीन कॉलम्स हैं, डिपार्टमेंट नेम, बिल्डिंग एंड बजट। नाउ आप देखेंगे कि मैंने इंस्ट्रक्टर टेबल को एज ए चाइल्ड टेबल मार्क किया हुआ है, पेरेंट टेबल डिपार्टमेंट को मार्क किया हुआ है, एंड यहाँ पर मैं डिपार्टमेंट नेम कॉलम को फॉरेन की बोल रहा हूँ एंड यहाँ पर इसे रेफरेंस की बोल रहा हूँ। सो लेट्स ट्राई टू सी कि ऐसा क्या है। और सो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि फॉरेन की कंस्ट्रेंट एक दो टेबल के बीच में लगाया जाने वाला कंस्ट्रेंट है। सो जब भी आप दो टेबल्स के बीच में एक फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं तो फॉरेन की कंस्ट्रेंट एक्चुअली दो टेबल्स के बीच में एक चाइल्ड एंड पेरेंट रिलेशनशिप क्रिएट करता है। नाउ चाइल्ड एंड पेरेंट्स रिलेशनशिप का मतलब क्या है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल फर्स्ट, देन वी विल यू विल आप समझ पाएंगे कि चाइल्ड टेबल और पेरेंट टेबल का क्या मतलब है और इंस्ट्रक्टर टेबल को चाइल्ड टेबल क्यों मार्क किया गया है और डिपार्टमेंट टेबल को चाइल्ड टेबल मार्क क्या किया गया है। सो इस एग्जाम्पल को अगर आप ध्यान से देखें तो इंस्ट्रक्टर टेबल का पर्पज है कि ये टेबल ये एक यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल है। सो एक यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन सिनारियो में मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है। सो इंस्ट्रक्टर टेबल जो है यूनिवर्सिटी में जितने भी इंस्ट्रक्टर्स हैं उनकी उनका उनके ये चार एट्रीब्यूट्स कंटेन करती है, आईडी, नेम, डिपार्टमेंट नेम एंड सैलरी। सो यूनिवर्सिटी के जितने भी एक यूनिवर्सिटी में जितने भी इंस्ट्रक्टर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन इस टेबल में स्टोर की जाएगी। ओके इसी के साथ साथ यूनिवर्सिटी में चूंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, सो अगर आपने ईआर डायग्राम इस बनाया होगा तो आप पाएंगे कि डिपार्टमेंट एक एंटिटी सेट है और इसलिए एंटिटी सेट होने की वजह से डिपार्टमेंट की एक सेपरेट आप उसे एंटिटी सेट में सेपरेट एंटिटी के तौर पर मार्क करते हैं और इसलिए अल्टीमेटली जब आप इसे रिलेशन टेबल रिलेशनल डेटाबेस में कन्वर्ट करते हैं तो आपको एक डिपार्टमेंट नाम से टेबल मिलती है। नाउ डिपार्टमेंट टेबल का मोटिव है कि यूनिवर्सिटी में जितने भी डिपार्टमेंट्स रन कर रहे हैं या एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन रखना। सो डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट का नाम रहेगा, बिल्डिंग का नाम रहेगा जिसमें वो डिपार्टमेंट रन कर रहा है, एंड यहाँ पर बजट जो वैल्यू एट्रीब्यूट है वो डिपार्टमेंट का जो फाइनेंशियल जो एनुअल बजट है या 5 वर्ष वाला जो बजट होगा डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी के कितने साल का बजट तैयार किया जाता है उसके बेस पर बजट होगा। नाउ अगर आप ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटी में जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनकी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट टेबल में होगी और इंस्ट्रक्टर टेबल में जितने इंस्ट्रक्टर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्टर टेबल में होगी। नाउ आपको ये भी मालूम है कि इंस्ट्रक्टर किसी न किसी एटलीस्ट एक डिपार्टमेंट से एसोसिएट होगा। सो लेट्स अज्यूम के इंस्ट्रक्टर का एक ही डिपार्टमेंट है यहाँ पर और एग्जैक्टली वन डिपार्टमेंट में ही वो बिलोंग करता है। ओके सो अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि
इंस्ट्रक्टर टेबल में इस कॉलम में डिपार्टमेंट का जो नेम जो आएगा या कोई भी जो डिपार्टमेंट की वैल्यू आएगी डिपार्टमेंट नेम की, वो वैल्यू यूनिवर्सिटी का एक एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि चूंकि यूनिवर्सिटी के सारे एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट टेबल में लिस्टेड है, सो दैट मीन्स यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी इंस्ट्रक्टर टेबल में, इस कॉलम में जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू यहाँ होना चाहिए, है ना। इसका अदरवाइज़ अगर सपोज दैट कि इस टेबल में एक किसी इंस्ट्रक्टर के सामने एक ऐसा डिपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ है जो डिपार्टमेंट टेबल में नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ एक ऐसे डिपार्टमेंट को मेंशन किया गया है जो एक्चुअली यूनिवर्सिटी में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। और अगर ऐसा केस देखने को मिलेगा, दैट मीन्स यू हैव आपके डेटाबेस में कुछ एरर है या गलती है या गलत इन्फॉर्मेशन सेव है, इसका मतलब डेटाबेस इनकन्सिस्टेंट है। सो अब हम हमेशा ये चाहेंगे कि जब भी इस टेबल में कोई भी नया रिकॉर्ड इंसर्ट हो या मॉडिफाई करके किसी भी इंस्ट्रक्टर का डिपार्टमेंट मॉडिफाई किया जाए, तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट नेम कॉलम में जो भी डिपार्टमेंट की वैल्यू आ रही है वो वैल्यू यहाँ एग्जिस्ट करना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ जो वैल्यूज हैं उन्हीं में से कोई एक वैल्यू इस हर रिकॉर्ड में अपीयर होना चाहिए। ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट की वैल्यू यहाँ नहीं होना चाहिए जो यहाँ नहीं है, मतलब यूनिवर्सिटी में नहीं है। इस रिलेशनशिप को आप देखें तो इस तरीके से आप देखें तो इन दोनों टेबल्स में एक रिलेशन टेबल के डिपार्टमेंट नेम कॉलम्स में एक रिलेशनशिप क्रिएट हो गई है कि ये सेट डिपार्टमेंट नेम जो एट्रीब्यूट्स का जो वैल्यूज का सेट है वो इस सेट का प्रॉपर सबसेट सॉरी सबसेट होना चाहिए। ये सेट सबसेट है और ये वाला सबसेट ये सेट इस सेट के लिए सुपरसेट का काम करता है। सो दैट मीन्स दो टेबल्स के बीच में जो दो कॉलम कॉमन कॉलम है उसमें सेट और सुपरसेट की रिलेशनशिप है। जहाँ सबसेट जिस टेबल में आता है उस टेबल को चाइल्ड टेबल बोलते हैं, और जहाँ सुपरसेट आता है उसे हम पेरेंट टेबल बोलते हैं। सो दैट मीन्स चाइल्ड टेबल में जो कॉलम कॉमन है वो उस कॉलम की सारी वैल्यू इस पेरेंट टेबल के इस कॉलम में होना चाहिए। इसीलिए हम इसे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी बोलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दीज टर्म्स। एक्चुअली अब हम इस रिलेशनशिप को हम हमेशा चाहेंगे कि जब भी यहाँ पर इंसर्शन हो तो उससे इंसर्शन को तभी अलाउ किया जाए जब डिपार्टमेंट की जो वैल्यू रिकॉर्ड में दी जा रही है वो वैल्यू यहाँ एग्जिस्ट करे। दैट मीन्स जब भी यहाँ हम कोई मॉडिफिकेशन या अपडेशन करेंगे या इंसर्शन करेंगे तो हम चेक करना चाहेंगे कि यहाँ जो वैल्यू इंसर्ट की जा रही है वो वैल्यू इस कॉलम में है या नहीं है। सो दैट मीन्स हम इस कॉलम की वैल्यू को हमेशा इस कॉलम में रेफर करेंगे या रेफरेंस लेंगे उसका। अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है तभी इंसर्शन अलाउ करना चाहिए, हमें नहीं करती है तो नहीं अलाउ करना चाहिए। इस केस में इस कॉलम के रेस्पेक्ट में ये वाला कॉलम रेफरेंस की का काम करता है। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड रेफरेंस की। एंड इस कॉलम को फिर हम फॉरेन की बोलते हैं। नाउ इस कॉलम को हम फॉरेन की इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये कॉलम किसी दूसरी टेबल में प्राइमरी की तरह से काम कर रहा है। दैट मीन्स फॉरेन मतलब अलग, दूसरी टेबल में की का काम कर रहा है। फॉरेन की कंस्ट्रेंट में फॉरेन की कंस्ट्रेंट एक ऐसा कंस्ट्रेंट है जहाँ पर एक टेबल का एक कॉलम किसी दूसरी टेबल में प्राइमरी की का काम करता है, और हमेशा वो कॉलम में जब भी कोई मॉडिफिकेशन होगा तो वो उस करस्पॉन्डिंग प्राइमरी की वाला जो जो जहाँ पर वो काम कर रहा है उस कॉलम में रेफर वैल्यू को रेफर किया जाता है। सो दिस इज़ कॉल्ड फॉरेन की कंस्ट्रेंट। इस तरीके से जब हम एक कंस्ट्रेंट इम्पोज कर देते हैं कि जब भी यहाँ मॉडिफिकेशन हो तो उस मॉडिफिकेशन से पहले हम उस मॉडिफिकेशन को चेक कर लें कि वो इस कॉलम के अकॉर्डिंग कंसिस्टेंट है या नहीं है। अगर यहाँ पर जो वैल्यू नई वैल्यू इंसर्ट की जा रही है वो इस कॉलम में एग्जिस्ट कर रही है तो हम मॉडिफिकेशन अलाउ करेंगे, अदरवाइज मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं करेंगे। फॉरेन की कंस्ट्रेंट यही काम करता है, ठीक है। फॉरेन की कंस्ट्रेंट का काम है कि एक जो फॉरेन की कंस्ट्रेंट का काम है कि जो फॉरेन की है आपकी उस कॉलम में जो भी वैल्यू अपडेट हो रही हैं उनको हमेशा चेक किया जाए कि वो रेफरेंस की वाले कॉलम में है या नहीं है, सो दैट आपका डेटाबेस हमेशा कंसिस्टेंट स्टेट में रहे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे देन डेटाबेस आपका इनकंसिस्टेंट स्टेट में जा सकता है। फॉरेन की कंस्ट्रेंट आपका दो टेबल्स के बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट करता है, एंड देन इस तरीके से एक टेबल के कॉलम को दूसरे टेबल के कॉलम में रेफर करते हुए कंसिस्टेंसी की जो रिक्वायरमेंट है डेटाबेस की उसको सेटिस्फाई करवाता है।
सो नाउ फॉरेन की कंस्ट्रेंट को लेट्स सी MySQL में हम कैसे डिफाइन करते हैं. सो फॉरेन की कंस्ट्रेंट को हम दो तरीके से इम्पोज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन फॉरेन की कंस्ट्रेंट किस टाइप का है. सो या आप किस टाइप से उसे इम्पोज करना चाहते हैं. सो अगर आप देखें क्रिएट टेबल को इस एग्जांपल में दो तरीके से डिफाइन किया गया है. सो ट्राई टू नोटिस हियर, यहाँ पर मैंने फॉरेन की जो है डिक्लेयर किया है डिपार्टमेंट नेम को. सो सिंटेक्स कुछ इस तरीके से है, सबसे पहले आपने देखा कंस्ट्रेंट. सो कंस्ट्रेंट एक कीवर्ड है, देन ऐप के अंडरस्कोर डिपार्टमेंट नेम DEPT नेम, ये कंस्ट्रेंट का नाम है. सो यहाँ पर मैं फॉरेन की कंस्ट्रेंट को एक नाम दे रहा हूँ. नाउ ये ब्रैकेट केवल ऐसे ही इस चीज़ को ये मार्क कर रहा है, इसको ब्रैकेट को आपको यूज़ नहीं करना है एक्चुअल क्वेरी के टाइम पर, क्योंकि ये ब्रैकेट जस्ट सिंबल है कि ये वाला पार्ट ऑप्शनल है. दैट मीन्स अगर आप इसे यूज़ नहीं करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, इस पार्ट को तभी आप यूज़ करेंगे जब आप एक्चुअली फॉरेन की कंस्ट्रेंट को कोई एक नाम देना चाहते हैं. और जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप अगर चाहते हैं तो किसी भी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स को अपनी तरफ से एक नाम दे सकते हैं, क्योंकि कई जिससे आप बाद में इसे अल्टर टेबल से अगर आप इसे हटाना चाहें तो हटा सकेंगे, और या इस को मैनिपुलेट करना चाहें तो आप नाम से इस कॉल कंस्ट्रेंट को रेफ़र कर सकते हैं. हालांकि ये ऑप्शनल है. सो अगर आप नाम नहीं देना चाहते हैं तो आप इस पार्ट को स्किप कर देंगे, देन केवल इतना ही रखेंगे फॉरेन की. सो ये दो कीवर्ड्स हैं, इन दोनों के बीच में स्पेस होना चाहिए. देन किस कॉलम को आप फॉरेन की बना रहे हैं. सो इस केस में ओबियसली डिपार्टमेंट नेम फॉरेन की है. नाउ ये जो कॉलम है इस किसको रेफर करेगा. सो आप लिखेंगे उसके लिए रेफरेंसेस, देन चूंकि ये कॉलम डिपार्टमेंट टेबल को रेफर करेगा तो आपने टेबल का नाम लिखा, और फिर ब्रैकेट में डिपार्टमेंट के किस कॉलम को रेफरेंस कराना है तो वो डिपार्टमेंट नेम. नाउ आपको याद रखना है जब फॉरेन की कंस्ट्रेंट होगा तो कॉलम्स के नाम अलग अलग हो सकते हैं, बट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि दोनों के डोमेन सेम होना चाहिए. सो इस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपने फॉरेन की कंस्ट्रेंट को एक टेबल कंस्ट्रेंट के तौर पर इम्पोज किया है. वी जस्ट से दैट कि ये टेबल कंस्ट्रेंट है, हालांकि फंक्शनैलिटी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा. सिमिलरली एक और अल्टरनेटिव वे है जिसमें आप फॉरेन की कंस्ट्रेंट को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. सो आप देखेंगे जैसे कॉलम की डेफिनेशन के ही सामने आपने इसको डिफाइन कर दिया, डिपार्टमेंट नेम वेरकेर 50 रेफरेंसेस. सो ये कॉलम की डेफिनेशन हो गई डिपार्टमेंट टेबल के कॉलम के. देन इसे किसको रेफ़र कराना है तो आपने लिखा रेफरेंसेस, और डिपार्टमेंट टेबल टेबल का नाम, क्योंकि डिपार्टमेंट टेबल को रेफ़र कराना है, दैट मीन्स पेरेंट टेबल. एंड ये आपका रेफरेंस की, दैट मीन्स पेरेंट टेबल का की जिसे प्राइमरी की डिपार्टमेंट नेम. एंड देन आपने सैलरी कॉलम को डिफाइन कर दिया. सो दिस इज़ हाउ आप फॉरेन की कंस्ट्रेंट को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं MySQL में. सो जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि फॉरेन की कंस्ट्रेंट में करस्पॉन्डिंग जो प्राइमरी की है जो पेरेंट टेबल में, उसे आप रेफरेंस की भी बोलते हैं. सो रेफरेंस की क्यों बोला जाता है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ. नाउ एक और डेफिनेशन या एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसको जो आपको याद रखना है, दैट इज डेंगलिंग टपल. सो हम इसको इसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे. सो लेट्स सी डेंगलिंग टपल का मतलब क्या है. सो डेंगलिंग टपल का मतलब एक ऐसे टपल से है कि सपोज दैट एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें डिपार्टमेंट नेम यहाँ पर जो मेंशन है वो डिपार्टमेंट नेम यहाँ नहीं मिल रहा है. सो ऐसे टपल को जहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग में जो पेरेंट टेबल में कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है या उसकी जो वैल्यू है वो नहीं मिल रही है, सो ऐसे टपल को हम डेंगलिंग टपल बोलते हैं. दैट मीन्स उसका कोई डिपार्टमेंट टेबल में रेफरेंस नहीं है. दैट मीन्स जो डिपार्टमेंट नेम इंस्ट्रक्टर टेबल में यूज़ हो रहा है वो डिपार्टमेंट नेम डिपार्टमेंट टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता है. सो अगर कोई ऐसा रिकॉर्ड इंस्ट्रक्टर टेबल में है तो हम उस रिकॉर्ड को डेंगलिंग टपल बोलते हैं. तो डेंगलिंग टपल की चांसेस तभी होते हैं जब फॉरेन की आपने नहीं इम्पोज की है, लेकिन जैसे ही आप फॉरेन की कंस्ट्रेंट इम्पोज कर देते हैं तो फॉरेन की डेंगलिंग टपल्स को रोक देता है. और आप जैसा कि मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि डेंगलिंग टपल को इसलिए रोका जाता है क्योंकि ये इनकन्सिस्टेंसी लेकर के आ सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि फॉरेन की जो है जब आप कंस्ट्रेंट इम्पोज कर देते हैं दो टेबल्स के बीच में, तब मॉडिफिकेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है. कि एक टेबल में आप डिलीशन कर रहे हैं तो दूसरी टेबल पर क्या इम्पैक्ट आएगा. दैट मीन्स आपने सपोज चाइल्ड टेबल में डिलीशन किया तो पेरेंट टेबल पर क्या इम्पैक्ट आने वाला है, या पेरेंट टेबल में डिलीशन किया तो चाइल्ड टेबल पर क्या इम्पैक्ट आने वाला है. सो लेट्स कम बैक टू दैट स्लाइड.
सो अगर अब आप देखें तो कि अगर आप चाइल्ड टेबल में से किसी एक इंस्ट्रक्टर को रिकॉर्ड डिलीट करते हैं, सो सपोज आपके एक इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से है और आपने उसके रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया, तो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में आप जैसे ही आप रिकॉर्ड डिलीट करते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, आप आसानी से डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट तो आप नहीं डिलीट करने जा रहे हैं, आप केवल इंस्ट्रक्टर डिलीट कर रहे हैं, सो देर इज़ नो प्रॉब्लम। सो इंस्ट्रक्टर साइड में डिलीशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली अगर आप किसी रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं तो भी यहाँ कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर डिलीशन आप डिपार्टमेंट साइड होता है देन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इस डिलीशन की वजह से इंस्ट्रक्टर टेबल पर उसका इम्पैक्ट आ सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट किसी किसी टाइम पर यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया कि एक डिपार्टमेंट लेट से मान लीजिए लेट्स टेक पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है, और यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया कि पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट को बंद कर दिया जाए। सो जैसे ही यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है कि पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट बंद किया जाए, और डिपार्टमेंट जब बंद हो जाता है तो उसके बाद यहाँ से उसका रिकॉर्ड डिलीट किया जाना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट टेबल में वही डिपार्टमेंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं जो यूनिवर्सिटी में फंक्शनल हों। हाँ सो लेकिन जैसे आप देखेंगे कि जैसे ही आप पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट को यहाँ से डिलीट करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कई सारे इंस्ट्रक्टर्स के सामने पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट नाम हो सकता है। तो जैसे ही आप यहाँ डिलीशन करते हैं उस डिलीशन के बाद यहाँ पर बहुत सारे डैंगलिंग टपल्स क्रिएट हो जाते हैं। सो वो डैंगलिंग टपल की काउंट कितनी होगी, जितने जितने रिकॉर्ड्स में पॉलिटिकल साइंस मेंशन है। सो लेट्स से पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में 5 इंस्ट्रक्टर्स थे तो 5 डैंगलिंग टपल्स यहाँ अपने आप क्रिएट हो जाएंगे। सो इस तरीके से जब आप यहाँ मॉडिफिकेशन करते हैं, सिमिलरली यू कैन ऑल्सो गिव एन एक्सप्लेनेशन फॉर अपडेशन ऑपरेशन एज वेल। सो जैसे ही हम यहाँ मॉडिफिकेशन करते हैं किसी भी रिकॉर्ड में, तो वो मॉडिफिकेशन की वजह से यहाँ पर डेंगलिंग टपल्स क्रिएट हो जाते हैं, और अब आपको डिसाइड करना है कि ये डेंगलिंग टपल्स को किस तरीके से हैंडल करना है, क्योंकि ये डेंगलिंग टपल्स आपके डेटाबेस को इनकन्सिस्टेंट स्टेट में ले आते हैं। नाउ इन डैंगलिंग टपल्स को हैंडल करने के आपके पास कई वे हो सकते हैं। पहला तो एक ऑप्शन ये हो सकता है कि इस डैंगलिंग टपल्स जितने भी हैं उनमें सब में डिपार्टमेंट नेम को नल सेट कर दिया जाए, दिस इज़ वन वे, वन चॉइस। दूसरा चॉइस ये हो सकता है कि उन सभी डिपार्टमेंट्स में एक डिफॉल्ट डिपार्टमेंट्स की डिफॉल्ट डिपार्टमेंट जो ना इंसर्ट कर दिया जाए। तीसरा हो सकता है कि आप उन सारे डिपार्टमेंट्स के रिकॉर्ड इंस्ट्रक्टर्स को ही डिलीट कर दीजिए, एंड सो ऑन। सो दैट कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है या किस चॉइस को आपको यूज करना है, दैट विल टोटली डिपेंड ऑन द पॉलिसी ऑफ द यूनिवर्सिटी। जैसे अगर यूनिवर्सिटी अगर किसी डिपार्टमेंट को बंद करती है तो हो सकता है वो सारी फैकल्टीज़ उस डिपार्टमेंट की सारी फैकल्टीज़ के जॉब को भी टर्मिनेट कर दे, तो उस केस में आप सारे इंस्ट्रक्टर्स को डिलीट कर सकते हैं, या हो सकता है यूनिवर्सिटी उस की पॉलिसी है कि नहीं डिपार्टमेंट बंद होने पर वो इंस्ट्रक्टर्स को नहीं हटाते हैं, तो हो सकता है वो उन इंस्ट्रक्टर्स को किसी और डिपार्टमेंट में मूव कर दें, तो आपको फिर करस्पॉन्डिंगली उन डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स को मैं रिकॉर्ड्स में डिपार्टमेंट नेम अपडेट करना होगा, या फिर उनका डिपार्टमेंट कुछ डिसाइडेड नहीं है उन्हें बाद में कहीं पर एडजस्ट किया जाएगा, तो हो सकता है कुछ टाइम के लिए आप उनमें नल वैल्यू भी इंसर्ट कर सकते हैं। हालांकि नल वैल्यू आप जानते हैं कि किसी भी टेबल में नल वैल्यू इंसर्ट करना इट्स नॉट ए गुड आइडिया, बट स्टिल यू हैव ए चॉइस टू डू दैट। सो जब आप मॉडिफिकेशन करते हैं, तो चूंकि जब इस टेक रिकॉर्ड में यहाँ पर मॉडिफिकेशन होता है तो ये मॉडिफिकेशन की वजह से एक मॉडिफिकेशन यहाँ होने से यहाँ पर मल्टीपल रिकॉर्ड्स डिलीशन हो सकते हैं या उनमें मॉडिफिकेशन हो सकता है। सो वी कॉल इट कास्केडिंग, दिस इज़ कॉल्ड कास्केडिंग इफेक्ट। नाउ इन सम टेबल्स में ऑल्सो ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ रेफरेंसिंग क्रॉस एक दो कॉलम्स एक दूसरे को क्रॉसली रेफरेंस कर रहे हों, देन वहाँ पर यह भी पॉसिबल है कि मल्टीपल रिकॉर्ड्स एक एक करके बहुत ड्रास्टिकली वे में मल्टीपल रिकॉर्ड्स डिलीट हो सकते हैं। सो आपको ये ऑपरेशंस आपके पास जो ऑप्शंस हैं डिलीशन के लिए वो आप जब फॉरेन की आप स्पेसिफाई करते हैं तब आप बता सकते हैं। सो जैसे इसी केस में आप चाहते हैं कि अपडेशन और डिलीट होने पर आप कास्केड ऑपरेशन परफॉर्म करें। सो कास्केड ऑपरेशन का मतलब है कि जब भी डिपार्टमेंट टेबल में अपडेट होगा तो आप एक एक करके इंस्ट्रक्टर टेबल के उन सारे डैंगलिंग टपल्स जो हैं उन सबको एक साथ डिलीट कर दीजिए, और या फिर डिपार्टमेंट टेबल में कोई अपडेट होता है तो आप सारे रिकॉर्ड्स को भी अपडेट कर दीजिए।
सो ये ऑपरेशंस आप इस टेबल्स पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। हालांकि कास्केड ऑपरेशन आपको बहुत सोच समझ करके लगाना चाहिए, क्योंकि ये ऑपरेशंस डिजास्ट्रस हो सकते हैं। इस जगह पर एड फॉरेन की के साथ आप जो कास्केडिंग डिफाइन कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर मैंने ऑन डिलीट कास्केड एंड ऑन अपडेट कास्केड लिखा है, तो आप यहाँ पर ऑन देन डिलीट और अपडेट और रेफरेंस एक्शन स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो ऑन डिलीट के बाद एक रेफरेंस एक्शन आप जहाँ बताएंगे, या ऑन अपडेट के बाद एक रेफरेंस एक्शन बताएंगे। सो जो रेफरेंस एक्शन की वैल्यू है ये पॉसिबल हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ कास्केड यूज किया है, सो यू कैन यूज कास्केड और यू कैन यूज नो एक्शन, दैट मीन्स ऑन डिलीट नो एक्शन, दैट मीन्स डिलीशन होने डिपार्टमेंट टेबल में जब डिलीशन हो तो इंस्ट्रक्टर टेबल में कोई भी एक्शन नहीं लिया जाए, दैट मीन्स रिकॉर्ड्स को एज इट इज छोड़ दिया जाए, दैट मीन्स यू आर परमिटिंग द डेंगलिंग टपल। दैट ये आपका डिफॉल्ट केस होता है, जब आप कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो इंस्ट्रक्टर टेबल के रिकॉर्ड्स एज इट इज रहेंगे। सो नो एक्शन इज द डिफॉल्ट। कास्केड अगर आप चाहें तो स्पेसिफाई कर सकते हैं, लेकिन जब कास्केड जैसे ही आप स्पेसिफाई करेंगे तो इंस्ट्रक्टर टेबल्स के रिकॉर्ड्स एक एक करके डिलीट होना शुरू हो जाएंगे। रिस्ट्रिक्ट भी आप कर सकते हैं, सो ऑन डिलीट रिस्ट्रिक्ट मतलब डिलीट करने पर आप डिलीशन ऑपरेशन को रिस्ट्रिक्ट कर दें। सेट नल दैट मीन्स आप इंस्ट्रक्टर टेबल में जो कॉलम है फॉरेन की कॉलम है उसमें नल सेट कर दें। सिमिलरली सेट डिफॉल्ट दैट मीन्स यू कैन सेट द डिफॉल्ट वैल्यू ऑल्सो। सो ओके गाइज, दिस वॉज द फॉरेन की कंस्ट्रेंट। सो इस लेक्चर में हमने देख समझा कि फॉरेन की कंस्ट्रेंट क्या होता है, देन फॉरेन की कंस्ट्रेंट हम टेबल पर कैसे इम्पोज करते हैं, हमें फॉरेन की कंस्ट्रेंट की क्या ज़रूरत है, और जब मॉडिफिकेशन होता है तो हम फॉरेन की कंस्ट्रेंट में कौन कौन से ऑप्शंस यूज कर सकते हैं, और उन एक्सेंस ऑप्शंस के क्या क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस हैं। ओके गाइज, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।